नमस्कार दर्शकों, आरवाइज डिजिटल न्यूज पर आप सभी का स्वागत है। आइए आपको लिए चलते हैं आज के मुख्य ताजा खबरों की तरफ। जलपाईगुड़ी जिले में लॉकडाउन के कारण पिछले कई दिनों से बंद दुकान पाट व बाजार हाट शुक्रवार से पूरी तरह खुल गए हैं। आज जलपाईगुड़ी के विभिन्न सड़कों पर पहले की तरह वाहने चलते देखे गए हैं। बाजार हाट सब पहले की तरह खुले दिखे। जलपाईगुड़ी नगर पालिका बोर्ड की चेयरपर्सन पापिया पाल ने बताया कि जिला प्रशासन के निर्देश पर आज से बाजार हाट व दुकान पाट खोलने का निर्णय लिया गया है। संवाददाताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि पिछले कई दिनों से लगातार लॉकडाउन के कारण जलपाईगुड़ी शहर में कोरोना के हालात काफ़ी हद तक नियंत्रण में आ गए हैं। इसे ध्यान में रखते हुए जिला शासन से विचार विमर्श कर रही शहर के सभी बाजार व दुकान खोलने का निर्णय लिया गया है। इसके साथ ही साथ उन्होंने कहा कि अब से दुकान खोलने का कोई निर्धारित समय नहीं रहेगा। उन्होंने कहा कि आवश्यकता पड़ने पर व्यवसायियों के साथ बैठकर इसका दुकान खोलने और बंद करने के समय सीमा पर निर्धारित की जाएगी। आज के खुलचे अनेक दिन पर लॉकडाउन তাতে আমাদের মতো ব্যবসায়ীদের সুবিধা হয়েছে, কারণ হচ্ছে এতদিন বন্ধ থাকলে পরে আমাদের তো দোকান টোকান বন্ধ, কতদিন ঘরে পয়সা পাবো, ঘরে পয়সাও শেষ হয়ে যাচ্ছে, পুঁজি শেষ। এরকমভাবে যদি চলে খোলা কন্টিনিউ, তাহলে আর কোনো জায়গায় মনে হয় না খুব একটা ভিড় হ্রাস হবে। আর যেই বন্ধটা পড়ছিল সেটা ওই সকাল 11টা পর্যন্ত বা 12টা পর্যন্ত বাজার, তাতে বাজারে তো টোটাল লোক হুমড়িখাই পড়ে। তো সেই বন্ধের অ্যাকচুয়ালি কোনো মানে তাতে কোনো বোধ হয় লাভ হয় না। আর যদি বন্ধ একদম বন্ধ করতে হয় তাহলে পরে ফুল বন্ধ, 5 দিন 7 দিন 10 দিনের জন্য টোটাল বাজার ঘাট সব সবজি টবজি। আর তাতে আমাদের কষ্ট হবে ঠিকই, তবুও এই মহামারীর জন্য আমরা সেটাকেও স্যাক্রিফাইস করবো, মানে এই তো। আর আপনার নাম? অশোক সাহা।